हेलो एवरीवन, आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन, नाप्ता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, धौली गंगा पावर स्टेशन और किशन गंगा हाइड्रो पावर स्टेशन। तो करेक्ट आंसर है इसका सेकंड ऑप्शन, नाप्ता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन। इसने एक महीने में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है, एक महीने में सबसे ज़्यादा बिजली। नाप्ता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन सतलुज जल विद्युत निगम के नाप्ता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने हाल ही में 1216.56 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करके 212.10 मिलियन यूनिट के पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन ने भी जुलाई महीने में 334.90 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो कितनी बिजली बनाई है? 1216.56 मिलियन यूनिट बिजली बनाई है नाप्ता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दे दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, केरल, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर है इसका हरियाणा। हरियाणा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को एक वर्ष के लिए ड्रोन के उपयोग की अनुमति दे दी है। इस अनुमति के बाद ड्रोन के उपयोग से अमृत शहरों के विकास और हिसार, पंचकुला, अंबाला के शहरी इलाकों में संपत्ति के सर्वेक्षण के लिए डेटा अधिग्रहण, मैपिंग और वेब आधारित GIS प्लेटफॉर्म के कार्य किए जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या था? हरियाणा के जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसने ड्रोन की अनुमति दे दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, RMI इंडिया और किस आयोग ने हाल ही में विद्युत वितरण सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी की है? योजना आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो करेक्ट आंसर है इसका नीति आयोग। नीति आयोग, RMI इंडिया, इसने मिलकर हाल ही में विद्युत वितरण सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक क्या है? टर्निंग अराउंड दी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। नीति आयोग और RMI इंडिया, इन दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है, टर्निंग अराउंड दी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अधिकतर बिजली वितरण कंपनियाँ प्रतिवर्ष घाटे में रहती हैं। वित्त वर्ष 2021 में उन्हें कुल 90,000 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है। भारत का कौन सा शहर COVID-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। तो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। ठीक है, भुवनेश्वर में लगभग 1,00,000 प्रवासी कामगारों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। भुवनेश्वर में टीका लगाने वालों में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 9,00,000 लोग शामिल हैं। हाल ही में किसने जारी रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24% की बढ़ोतरी हुई है? तो करेक्ट आंसर है इसका राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके अनुसार 24% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है किसमें? आत्महत्या के मामलों में। जबकि 2019 में बेरोजगारी की वजह से 2851 लोगों की आत्महत्या की और 2016 में जो ये आंकड़ा था वो था 2298। बेरोजगारी की वजह से कर्नाटक राज्य में 2019 में सबसे ज़्यादा 553 लोगों ने आत्महत्या की थी। ठीक है, तो 24% की बढ़ोतरी हुई है। IMF ने गरीब देशों को कोविड से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता राशि मंजूरी दे दी है? तो करेक्ट आंसर है इसका 650 अरब डॉलर। जो IMF है, जिसकी फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके सदस्य राष्ट्रों ने गरीब देशों को कोविड से निपटने के लिए 650 अरब डॉलर की सहायता राशि की मंजूरी दे दी है। यह वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। IMF ने सभी 190 सदस्यों को उनके कोटे के अनुपात में रिजर्व आवंटित किए जाते हैं। इनमें से किसने सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक पारित कर दिया है? तो वो है लोकसभा। लोकसभा ने हाल ही में ध्वनिमत से राज्य के स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों में
अपनी हिस्सेदारी कम करने और आवश्यक संसाधन उत्पन्न करने की अनुमति देने वाले सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक पारित कर दिया है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ताओं को नए उत्पादों को डिजाइन करने में भी मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में कौन सा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण प्रकाशित किया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में 8वां आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण प्रकाशित किया है, जिसके अनुसार जुलाई 2020 की अवधि में भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर 13.3% हो गई है, जबकि अप्रैल जून 2020 में बेरोजगारी दर 20.9% थी। NSO ने वर्ष 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू किया था। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी परिवार विश्व का कौन सा सबसे अमीर फैमिली है? तो करेक्ट आंसर है इसका 5वीं। जो अंबानी परिवार है वो विश्व की 5वीं सबसे अमीर फैमिली है, ठीक है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी और उनकी कंपनी 1 मिनट में 1.1 करोड़ रुपए कमाती है। वर्तमान में अंबानी परिवार के पास 77.3 अरब डॉलर यानी 5.74 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसके साथ ही अंबानी परिवार विश्व की 5वीं सबसे अमीर फैमिली है, जबकि वॉलमार्ट के को फाउंडर बाल्टन की फैमिली 244 अरब डॉलर के साथ पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डिजिटल भुगतान समाधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाउचर लॉन्च किया है? तो आपने सुना होगा, न्यूज में भी रहा था, ये ई रूपी लॉन्च किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ई रूपी का उपयोग सरकार द्वारा, गैर सरकारी संगठन द्वारा भी उपयोग किया जा सकता है। यह ई रूपी डिजिटल भुगतान के लिए एक प्रीपेड कैशलेस और संपर्क रहित साधन है। तो अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों, 10 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।